जोधपुर में बूंदी बनेंगे डेस्टिनेशन टूरिज्म हब। स्वदेश दर्शन योजना में दोनों शहर सेलेक्ट, अब बदलेगी राजस्थान की तकदीर। केंद्र सरकार का पर्यटन मंत्रालय देश में टूरिज्म सर्किट बनाकर विकास कर रहा है, अब राजस्थान में डेस्टिनेशन टूरिज्म को जोड़ा जाएगा। इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के तहत स्वदेश दर्शन योजना में राजस्थान के दो शहरों को चुना गया है। ये शहर जोधपुर और बूंदी है। आपको बता दें, दोनों शहर अपनी हेरिटेज पहचान रखते हैं। फिलहाल दोनों ही शहरों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटियां बनी हैं। इन कमेटियों का फोकस 50 किलोमीटर के रेडियस को डेवलप करना और टूरिज्म का स्टे इन शहरों में बढ़ाने पर होगा। केंद्र सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की ओर से इस योजना को 2014-15 में शुरू किया गया था। इसमें विशेष तौर पर पर्यटन सर्किट बनाने पर काम होता है। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ाना और विकसित करना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के विकास के लिए राज्य सरकारों को बजट देता है। इस योजना की परिकल्पना स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि जैसे अन्य योजनाओं के तालमेल बिठाने के लिए की गई थी। इस योजना के जरिए राजस्थान में फिलहाल जोधपुर व बूंदी को शामिल किया गया है। इसमें डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। जोधपुर में हेरिटेज स्पॉट का विकास कर यहां प्रयास रहेंगे कि पर्यटकों को एक दिन ज्यादा रोका जा सके। जोधपुर और बूंदी दो हेरिटेज के नजरिए से समृद्ध है। दोनों ही शहरों में पुरानी बावड़ियां और महल हैं, जिनके विकास पर काम किया जा सकता है। यदि उनका विकास होता है तो ये पर्यटकों को काफी आकर्षित कर सकते हैं। विदेशी पर्यटकों को भी राजस्थान को हेरिटेज काफी पसंद आती है।